मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। इन द टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम करेंट अफेयर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइड सेक्टर्स। ओके, तो फ्राइडे के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम करेंट अफेयर्स जो है वो मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। रिकॉर्डेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, सबसे पहला हम प्रोडक्शन के ऊपर देखते हैं। प्रोडक्शन जो है 2018-19 का था आपका 285.20 मिलियन टन्स, एंड देन 2019-20 में एस्टिमेटेड जो है वो है 291.95 मिलियन टन्स, एंड 2020-21 का जो टारगेटेड है, ठीक है, वो है आपका 298.3 मिलियन टन्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 18-19 में कितना प्रोडक्शन था आपका 285, एंड देन फिर 2019-20 में एस्टिमेट अभी तक किया गया है आपका 291, एंड देन टारगेटेड जो है 21 के लिए वो है 298.3 मिलियन टन। ओके, सो ये चीज़ें। नाउ देयर इज़ अ प्रोटीन रेवोल्यूशन थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। जैसे जैसे प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज हुआ है, वैसे वैसे प्रोटीन रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है 17.2 से 23.02 पर पहुंच गया है 2019-20 पे। तो क्योंकि यहाँ पर पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन एरिया सोन समर क्रॉप, समर क्रॉप लगाने से, जो समर क्रॉप जनरली लेते नहीं थे, पर समर क्रॉप लेने से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, नीचे पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वो 2018-19 में था 310.74 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन। ओके, नाउ 2019-20 में एस्टिमेटेड जो है वो है आपका 313.35 मिलियन मीट्रिक टन। ये हो गया, आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। नाउ सेकेंड इज़ द सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेट फॉर फार्मर विथ पीएम किसान मानधन योजना। ठीक है, मानधन योजना जो कि पीएम मतलब सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है फार्मर उससे रिलेटेड है। सो ये इस स्कीम के बारे में, हम योजना के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द वॉलेंट्री एंड जो कंट्रीब्यूटरी है द पेंशन स्कीम फॉर फार्मर एज्ड बिटवीन 80 to 40 ईयर्स। तो ये एक काइंड ऑफ पेंशन स्कीम है जो फार्मर्स 80 to 40 ईयर के बीच के होते हैं उनके लिए। मंथली कंट्रीब्यूशन जो है जस्ट 55 से कितना रुपये है, 220 रुपये है। बेनिफिशरीज आर एलिजिबल टू गेट अ पेंशन अप टू द ₹3,000 आफ्टर रीचिंग द 60 ईयर ऑफ एज। ओके, नाउ बेनिफिशरीज ऑफ पीएम किसान स्कीम हैव द ऑप्शन टू अलाउ देयर कंट्रीब्यूशन सेंड टू द पेंशन स्कीम। इफ द फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट द स्पॉस विल बी रिसीव द 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। तो उनका जो स्पाउस रहेगा, ठीक है, जिसको उन्होंने अपने अगर उनकी डेथ हो जाती तो उन्होंने जिसको भी बनाया होगा उनको वो आधी पेंशन जो है वो मिलेगी। सेकेंड इज़ द जय किसान, दिस इज़ द बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। जय किसान जो है ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्कीम बनाई गई है। यहाँ पर क्या हुआ है, रिकॉर्ड फार्मर जो सॉरी फार्म क्रेडिट टारगेट ऑफ ₹15 lakh crore सेट फॉर 2020 to 21। ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया है, बेसिकली ये बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर जो टारगेटेड है वो है 15 lakh crore 2020 to 21 के लिए, एंड जो टारगेट ऑफ द ₹1 lakh crore फिशरीज एक्सपोर्ट बाय 2024 to 25, एंड 200 lakh ton फिश प्रोडक्शन बाय 22 से 23। तो ये यहाँ पर फिशरीज से रिलेटेड हो गया। देन किसान रेल टू बिल्ड अ नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर द पेरिसेबल। तो किसान जो रेल, एक ऐसा सिस्टम डेवलप होने वाला है जिससे कि जो भी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स लेते हैं, लाइक जो जल्दी ख़राब होने वाले रहते हैं प्रोडक्ट, उनका एक सप्लाई चेन बन पाए। कृषि उड़ान टू एड वैल्यू टू एग्री प्रोडक्ट्स इन बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स। थर्ड इज़ द हेल्पिंग स्मॉल फार्मर्स, हेल्पिंग स्मॉल फार्मर्स थ्रू द FPOs, हार्नेशिंग द पावर ऑफ द स्पेशलाइजेशन।
इसमें क्या है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया है FPO, इट इज़ अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय द 2024-25 विद द ₹6,866 करोड़ प्रोविज़न। तो यहाँ पर ऐसा फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन उनको बनाना है 2024 से 25 तक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन, तो इसका लोगो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर टू द, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट क्लस्टर टू द प्रमोट द स्पेशलाइजेशन। हर स्टेट का एक, या सॉरी हर जिले का एक प्रोडक्ट, वो उसका स्पेशल जो शो करेगा वो। देन एडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू बाय द इनपुट सेल द प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस एंड गेन हायर इनकम थ्रू द स्पेशलाइज प्रोडक्ट। जो भी स्पेशलाइज प्रोडक्ट है वो जो मार्जिनल फार्मर है वो उसको उसके लिए इनपुट ले, है ना, और इनपुट खरीद सकते हैं, अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और उसके साथ ही हायर इनकम जो है वो अपना पा सकते हैं। नाउ एक्सटेंडिंग द PM किसान सेफ्टी अम्ब्रेला फॉर ऑल फार्मर्स, ये क्या है, ये है PM किसान एक्सटेंडेड टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। सो दे रिवाइज स्कीम, ओके, ये एक रिवाइज स्कीम है टू कवर एन एडिशनल 2 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको। दिस इंक्रीज कवरेज ऑफ PM किसान टू अराउंड 14.5 करोड़ बेनिफिशरीज। तो ये जो है एक PM किसान जो है फिर से रीस्टार्ट हुआ। PM किसान क्या है, इंश्योरिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स, उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको इंश्योर करना। क्या हुआ है ड्यूरिंग द कोविड स्केयर, सॉरी स्केयर्स रुपीस आपका 17,986 करोड़ ट्रांसफर टू द फार्मर्स। तो 86 करोड़ रुपए है वो ट्रांसफ़र हुआ है फार्मर्स को। एज ऑफ मैनी 2020 मोर देन 9.5 करोड़ फार्मर फैमिली बेनिफिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹71,000 करोड़ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर 2020 मई तक 9.5 करोड़ फैमिली बेनिफिटेड हुई है और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, 71,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। इंस्टॉलमेंट ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020 पेड टू 8.13 करोड़ बेनिफिशरी या 8.13 करोड़ बेनिफिशरीज। तो ये इसका एक टारगेटेड है और अभी तक कितनों को किया गया वो भी यहाँ मेंशन है। नाउ टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर वेलफेयर, टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर वेलफेयर इट इज़ द किसान रथ। न्यू मॉड्यूल्स लॉन्च्ड ऑन ENAM provide the warehousing based trading and farmer produce organization linkage, ठीक है, दोनों के बीच एक लिंकेज है ये। दिस इज द किसान रथ ऐप द इनेबलिंग मूवमेंट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस प्रोड्यूस थ्रू मोर देन 11.37 लाख ट्रक एंड 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर्स। तो यहाँ पर एक तरह का ये लिंकेज है जिसमें जो प्रोड्यूस करेंगे जो फार्मर प्रोडक्ट्स जो भी आपके यहाँ पर हमने देखा था प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और ये ट्रांसपोर्टर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने अवेलेबल कराया है ट्रक्स, दोनों के बीच का लिंकेज जिससे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो इजी हो जाए। ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर एट आपका नंबर यहाँ पर दिया है, ठीक है, 1800180420 एंड 14488 The enabling inter-state coordination facilitating the movement between the state। तो ये नंबर पे कॉल करके ये सारी फैसिलिटीज फार्मर ले सकते हैं। 567 फास्ट स्पीड पार्सल जो है वो ट्रेन है ये एंड 567 फास्ट स्पीड पार्सल ट्रेन्स ऑन 67 रूट। तो ये जो 567 फास्ट स्पीड पार्सल ट्रेन से ये 67 रूट्स में क्या करेगी, डिलीवरी जो है कमोडिटीज़ की वो इंश्योर करेगी। तो ये हो गया किसान रथ। नाउ इसके अलावा कॉम्प्रेहेंसिव फोकस ऑन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सो ₹12,652 करोड़ एलोकेटेड अंडर द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम विच इज़ NADCP टू द टैकल फूड एंड माउथ डिसीज, जिस ओ की होता है किसमें होता है फूड एंड माउथ डिसीज, या आप लोग बताना मुझे।
आप लोग आंसर वैसे देते नहीं। हर्मोफ्रोडाइट कभी मैंने पूछा था हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, उसका भी नहीं दिया है, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा और उसका आंसर अगर हो तो दे दीजिएगा। एनिमल टू बी वैक्सीनेटेड ईयर टैग्ड एंड फॉलोड अप अक्रॉस ऑल स्टेट अंडर द आपका नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो सभी एनिमल्स को यहाँ पर वैक्सीनेटेड करने का टारगेट है और उनको ईयर टैग भी देना है। ₹8,000 करोड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद द राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू प्रमोट डेयरी सेक्टर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इट इज़ फॉर द प्रमोटिंग द डेयरी सेक्टर। एडिशनल ₹4,558 करोड़ एलोकेशन टू हेल्प द 95 लाख डेयरी फार्मर्स। तो ये आज के कुछ 5 से 6 करेंट जो स्कीम थे उसके बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो करेंट अफेयर्स पे आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो फ्रेंड।